राजी संजू उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से लोगों के दिलों पर राज करने के बाद बॉलीवुड स्टार विक्की कौशल ने एक बार फिर मेघना गुलजार के साथ हाथ मिलाया है। इस फिल्म में एक बार फिर विक्की कौशल का लुक बेहद अलग होने वाला है। मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया है और हमें यकीन है इसे देख आप एक नज़र में विक्की कौशल को पहचान नहीं पाएंगे। विक्की कौशल इस फिल्म में आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाने वाले हैं। ये फिल्म भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक है। सैम मानेकशॉ देश के साहसी आर्मी ऑफिसर थे। सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और इसके परिणाम में बांग्लादेश इस दुनिया में आया। सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में ही इस युद्ध में पाकिस्तान को भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी और युद्ध समाप्ति के बाद पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने भारत के आगे घुटने टेकने पड़े थे। इस वीर गाथा को अब सिनेमा लवर सिल्वर स्क्रीन पर देखने वाले हैं। इस फिल्म के लीड स्टार के तौर पर विक्की कौशल को कास्ट किया गया है। सैम मानेकशॉ की पुण्यतिथि के मौके पर डायरेक्टर मेघना गुलजार ने इसका ऐलान किया है। साथ ही फिल्म में विक्की कौशल के फर्स्ट लुक को भी शेयर कर दिया है। वैसे आपको बता दें कि विक्की कौशल इस वक्त अपने करियर के बेहद अहम मोड़ से गुजर रहे हैं। लगातार उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं, तो वहीं उनके हाथ कई शानदार प्रोजेक्ट्स भी लगे हैं। विक्की कौशल ने हाल ही में पिंक डायरेक्टर सुजीत सरकार के साथ हाथ मिलाया है। वो जल्द ही सरदार उधम सिंह की बायोपिक को भी लेकर सिनेमाघर पहुंचने वाले हैं। सुजीत सरकार ने बीते दिनों ही इसका फर्स्ट लुक शेयर किया था। इसके बाद इस फिल्म की शूटिंग के लिए विक्की लंदन के लिए भी रवाना हुए थे। इसके अलावा विक्की कौशल हॉरर कॉमेडी जॉनर में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। उनकी फिल्म भूत का फर्स्ट लुक पोस्टर भी बीते दिनों ही सामने आया था। आप विक्की को दूसरी दफा आर्मी ऑफिसर के किरदार में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।